ongoing thing. हेलो बच्चों, मेरा नाम है ईशान। आप देख रहे हैं ईशान सर लेक्चर। आज हम बात करेंगे प्रो टिप्स। हमने एक प्रो टिप्स करके सीरीज चलाई जिसमें आपको टिप्स दिया करेंगे, जो हमने गलती करी वो आप ना करें, क्योंकि देखिए मेंटर का काम करता है गाइड करना। ठीक है, तो टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्रो टिप्स टू क्रैक अबव 90% इन CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th। तो हम ऐसे आपको कुछ टिप्स देंगे, बुक्स बताएंगे, क्या मटेरियल फॉलो स्ट्रिक्टली करना है कि जिससे आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, आप मिस लाइट और मिस गाइडेड ना होकर के बिल्कुल एकदम फोकस होकर के अपने क्लास 10 में फोड़ दें बढ़िया परसेंट। ठीक है, बिल्कुल अच्छा फोड़ देंगे आप परसेंटेज। तो बात करते हुए हम चलते अपने टॉपिक की ओर। देखिए, पहली टिप है आपको क्या करना है, फॉलो एनसीईआरटी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स, तो देखिए भाई आपके हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड आपकी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं, आपकी एनसीईआरटी साइंस की, मैथ्स की, और आपकी इंग्लिश की होती है, और आपकी होती है सोशल स्टडीज की। ठीक है, आपको कंप्लीटली फॉलो करनी है, मतलब पूरा जितना आपका क्लास 10 की जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके आपकी एनसीईआरटी अच्छी तरीके से फॉलो करनी है। मैंने आपको कुछ बताऊंगा जो मैंने अपने टाइम में मटेरियल सॉल्व करा था, जिससे मैं अच्छे क्रैक कर पाया था सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज में, एंड देन आपका इंग्लिश में तो एनसीईआरटी फॉलो करी थी, और एवरेज अब नंबर आए थे मेरे को, ज़्यादा खास नहीं थे क्योंकि इंग्लिश में मेरे को इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, साइंस में अच्छे आए थे मेरे, और मैथ्स में भी ठीक ठाक थे। तो मैं आपको जो मेरे से हो सकता है मैं आपको पूरी टिप्स देना चाहूँगा, जो मेरे दोस्तों ने गलती करी और जो मैंने गलती करी वो आप ना करें। ठीक है, तो आपको देखो फॉलो एनसीईआरटी करनी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे आपका हो गया सोशल स्टडीज़ हो गए, आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एंड देन आपकी और भी सब्जेक्ट्स हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स का बताऊंगा जिनमें बच्चे अटकते हैं, जिनको दिक्कत होती है कि यार कौन सी रेफरेंस करें, बहुत कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, यार ये वो बच्चा बोल रहा है ये वाली करनी है, आरएस करनी है, कोई बोलता है आरडी करो, कोई बोलता है मैम बोलती है एनसीईआरटी करो। तो देखो एनसीईआरटी तो करनी मस्ट है, मैम बोलनी तो अच्छा ही बोलनी है, आपके फायदे के लिए बोलेंगे। ठीक है, अगर मैथ्स में आपको मैं बताऊं, मैथ्स में आप एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस जरूरत पड़ती है, एनसीईआरटी से आपके से पता है कितने नंबर आएंगे आपके, 100 आउट ऑफ आपके आ जाएंगे ऐसे 75 to 80। वो प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, आपको प्रैक्टिकल टीचर देती कितना है। ठीक है, तो इसके साथ आपको या तो आप आरएस कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल, अगर आप थ्रू आउट ईयर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आरएस अग्रवाल तो आप आरडी भी कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल भी कर सकते हैं, पर आरएस अग्रवाल पे मेनली फोकस रहता है, आरडी में थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आप मान लीजिए अगर मैथ्स एनसीईआरटी में लेवल 1 है तो आरएस अग्रवाल ने आपके लेवल 2 तक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेवल 2 तक के, तो और आरडी में आपके लेवल 3 तक के रहेंगे। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए आरएस अग्रवाल ने रेफरेंस। ठीक है, मैंने तो भाई देखो याली करी थी आरएस अग्रवाल, मेरे सही नंबर आ गए थे आउट ऑफ 100 मेरे आए थे 85 नंबर। ठीक है, और आरडी तो मैंने करी नहीं थी, पर अगर आपको अच्छा लगता है कि ज्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप आरडी शर्मा कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपके अलग अलग वैसे सीबीएसई में कंबाइन होता है, जब आप 11th 12th में आ जाएंगे तो वो थोड़े जो सब्जेक्ट साइंस है वो स्प्लिट अप हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एंड देन बायो में, अगर आप बायो ऑप्ट करते हो। ठीक है, तो साइंस में मैं आपको बताऊं, अगर आप एनसीईआरटी करो वेरी गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, देन आप कर सकते हो, एक बहुत अच्छी किताब आती है सेल्फ स्टडी के लिए, बहुत अच्छी, अगर आप लिटरली इसको रीडिंग भी मारोगे ना तो भी आपके कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे ना एकदम हाई लेवल पे हो जाएंगे, अगर आप नीचे से खुरदते हुए भी चलोगे ना कॉन्सेप्ट को तो भी आपके इतने भयंकर लेवल के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, मतलब टीचर ही बोलेगी यार बहुत पढ़ गया है बच्चा। क्योंकि देखो मैं लखमीर सिंह मंजीत कौर से सेल्फ स्टडी करके गया था, देन मेरे 98 आ गए थे 100 में से, देखिए इतना बड़ा लेवल हो गया था। तो साइंस में आप कर सकते हैं एनसीईआरटी, एंड देन मैंने भी एनसीईआरटी 2 बार सॉल्व करी थी, देखिए इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए, ऑफ 10 ईयर्स तो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, देन आप कर सकते हैं, इसकी एक अच्छी रेफरेंस है, वेरी गुड, जी स्टार लगा रहा हूँ, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। सिंपल है, आप ये जो पब्लिकेशन की आती है वो एस चंद की होती है आपकी, है ना, ये जो आपकी होती है एस चंद की होती है आपकी, एस चंद पब्लिकेशन की आती है आपकी, ये पुरानी भी मिल जाएगी और आपको नहीं लेना चाहो नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई इतना फर्क नहीं होता आपका इसमें, अगर आप पुरानी लो नहीं लो कंटेंट बिल्कुल सेम ही रहता है। तो लखमीर सिंह मंजीत कौर मैंने आपको बता दी, इसमें आपके लिए फिजिक्स के लिए भी वही आती है, केमिस्ट्री के लिए भी आती है, बायो के लिए भी आती है,
तीनों सब्जेक्ट्स के सेपरेटली आती है। मैं आपको बता दूँ तीनों सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेटली आती है, एनसीईआरटी कंबाइन होती है, फिजिक केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक केमिस्ट्री सॉरी फिजिक केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो एस चंद में आपको फिजिक केमिस्ट्री में जब आप लेने जाओगे लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर, तो आपको सेपरेटली मिलेगी फिजिक्स की एक, फिजिक्स की अलग, और आपकी केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, ठीक है। आप दोनों ले सकते हो, दोनों तीनों जो भी आपका मन करे, ठीक है। देन आपकी मैं आपको मेन बताऊँ सोशल स्टडीज में बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है कि यार रेफरेंस के लिए कौन सी ली जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना दिमाग के घोड़े खोल जाते हैं, सही में आपको बताऊँ बहुत टफ नट टू क्रैक है बहुत एनसीईआरटी को समझना, उसकी लैंग्वेज को। क्वेश्चन तो बेसिकली इजी होते हैं, अगर आप लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर भी करोगे, एनसीईआरटी भी देखोगे मैथ्स की, तो आसान होते हैं, हो जाते हैं अगर आप शुरुआत से पढ़ाई करते हो चलोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्लास 10 सीबीएसई में अगर आप कंसिस्टेंसी बना के चलोगे, रेगुलरिटी बना के चलोगे, सिंसियरिटी बना के चलोगे, तो आपके आराम से 90% आएंगे। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं मेरे 85% आए थे इन सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड, क्योंकि मेरे कुछ इंग्लिश इंग्लिश के चक्कर में रह गए थे, कम इंग्लिश और हिंदी स्पेसिफिकली क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो तो मैं आपको बताऊंगा जिस चीज़ में मेरे अच्छे हैं, मैं आपको उसकी चीज़ की गाइड दे रहा हूँ, क्योंकि देखो उतना ही बताना चाहिए। तो वैसे मैं आपको ओवरऑल गाइड कर रहा हूँ जो कॉमन सब बच्चों में दिक्कत आती जाती है, ठीक है। अब देन सोशल स्टडीज़ के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, एक आती है एवरग्रीन की, एक आती है आपकी एवरग्रीन की ऑल इन वन, एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी। आप बोल दो किसी भी बुक सेलर पे आके समझ जाएगा सोशल स्टडीज़ की क्लास 10 की, आप एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी वाली दे दो आप किताब, सोशल स्टडीज़ की एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी की किताब आ जाए खुद की, उसमें तीनों जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, शायद मैं तुम्हें याद भी नहीं है, 2 साल हो गए मुझे 10th करे हुए, एवरग्रीन में आती है आपकी सोशल स्टडीज़ होती है, शायद सोशल स्टडीज़ में पूरा कंबाइन होता है दोनों वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, उसमें सारे इकोनॉमिक्स हो गई आपकी, जो भी आपके इकोनॉमिक हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है ना, पॉलिटिक्स साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जो भी होता है ना, उसमें सारे आपके उसमें चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप ये बुक फॉलो कर लेना, देखिए मैंने टाइम में बुक फॉलो करी थी, मेरे आए थे, मैंने एवरग्रीन पढ़ी थी और देन 10 ईयर्स करके गया था, 10 ईयर्स में से मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आए थे और आए भी थे बोर्ड के अंदर, तो वो थे क्या कहते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे उसके अंदर, ज्योग्राफी भी अच्छी थी, समझता था, हिस्ट्री तो रटनी पड़ती है, मगिंग अप करना पड़ता है कॉन्सेप्ट, तो यही था। तो एवरग्रीन में आपको बता दूं बहुत बढ़िया किताब है एन एस चंद की, लक्ष्मी सिंह मंजीत को रेफरेंस के लिए आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, ये मैंने फॉलो करी। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, आप बहुत अंदर बिल्कुल पताल तक घुसना चाहते हो मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन को इतना कर देना चाहते हो, मतलब आप बहुत टाइम है, तो आप आर डी स्टार्ट कर सकते हो, पर आर डी आप 20 साल में मत स्टार्ट कर देना। आर एस तो चलो आप अगर जुलाई में भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगी अगर आपकी स्पीड अच्छी है, तो वैसे आप एन सी आर टी कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रो टिप मैं आपको खुद वर्बली दे दूँ, आप 10 ईयर्स करना किसी के लिए मत भूलना, चैप्टर वाइज एक आपकी 10 ईयर्स आती है अरियंत में हो, चाहे आपकी ओसवाल की हो, आप ले लेना, या सेल्फ स्टडी आती है हर सब्जेक्ट की, आप ले लेना 10 ईयर्स, 10 ईयर्स टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज वो ले लेना आप जिसका आप चाहो, ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स की लेना मेरी मान, तो ज़्यादा बेटर मेरा हो गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से हम एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th से रिगार्डिंग एंड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो जाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो, अगर आपको इस वीडियो में कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, थैंक यू।